समीपवर्ती ग्राम तरवारा में श्री जगतगुरु शंकराचार्य महाविद्यालय श्रीनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके समापन समारोह में श्री आदि शंकराचार्य शिक्षा विकास समिति के कोषाध्यक्ष एवं श्री शंकराचार्य नेत्रालय और श्री बाल विद्या निकेतन परमहंसी के प्रबंधक उमेश तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वक्ता के रूप में एडवोकेट भारत पटेल अध्यक्षता महाविद्यालय के मुखिया एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक डॉक्टर दिलीप पाठक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी खुमान सिंह पटेल, सरपंच प्रतिनिधि अनुपम तिवारी, प्रधान पाठक दशरथ पटेल आदि उपस्थित रहे। जैसा कि सभी को विदित है कि हम सब अपने आसपास के में कानून से घिरे हुए हैं। हमारे हर वर्ग में हर समुदाय के लिए एक हमारे सबसे जो प्रथम कानून है वो हमारे लिए संविधान है, जो कि हर कानून के ऊपर एक अपनी छाप छोड़ा जाता है। कानून संविधान से हमें अपने समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी मिलती है, बोलने का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है। ऐसे ही कानून जो है वो हर वर्ग के लिए बनाया जाता है और उससे हमें हमारे जो समाज के लिए उसको लागू कराने के लिए सर्वप्रथम यही है कि हम जो कानून की मंशा है उसे समझें और उसे अपने जीवन में लेके आए, ताकि हमसे ऐसी कोई गतिविधियां ना हो जो कि हमें एक कोई अपराध की ओर अग्रसित करे। तो हमें सबसे पहले कानून की मंशा को समझना चाहिए कि जो हमारे देश या हमारे राज्य के द्वारा जो भी विभिन्न कानून बनाए जा रहे हैं उनसे हम उनकी मंशा क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो कानून बनाने के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो चीज़ अगर हम अपने हमारा जो समाज है वो समझेगा तो हम ये जो आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें रोका जा सकेगा। इसलिए पहले तो हमें कानून की मंशा को समझना है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए उसकी मंशा क्या थी, उसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके साथ साथ हम उस कानून को किस तरीके से अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, ताकि हम उस कानून की जो मंशा है उससे और सुचारू रूप से बढ़ाया जा सके। तो सब अगर किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति ने उस कानून की मंशा को समझ लिया गया या कानून को बनाने का उद्देश्य को समझ लिया गया तो हम हमारा जो देश या हमारी जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो एक सफल हो जाएगा, वो एक सफलता की ओर हमारा एक पहला कदम होगा अगर हम उस कानून को समझ लिए और उस कानून को बनाने की मंशा को समझ लिए।